जय श्री राम दोस्तों। पुनर्जन्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सदियों से सनातन धर्म का हिस्सा रहा है। अगर आप एक हिंदू हो तो कभी न कभी आपने अपनी मम्मी पापा या फिर दादा दादी से पुनर्जन्म के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में इस रिबर्थ की मिस्ट्री है क्या? तो आइए आज की वीडियो में इस पुनर्जन्म की गुत्थी को सुलझाते हैं और करते हैं हिंदुइज्म को एक्सप्लोर। धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे। सोचिए अगर मैंने आपसे कहा कि हमारी आत्मा एक नेवर एंडिंग जर्नी पर निकले ट्रैवलर्स की तरह हैं, और इसी जर्नी को पुनर्जन्म कहते हैं। रीबर्थ हमें सिखाता है कि जब हम मरते हैं तो एक्चुअल में हमारी आत्माएं दूर नहीं जाती। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्माएं शरीर बदलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। खैर ये हमारी आत्माओं के लिए एक बड़े स्कूल की तरह है। प्रत्येक जीवन हमें कोई ना कोई इम्पोर्टेंट लेसन सिखाता है, और हम तब तक वापस आते रहते हैं जब तक हम वो नहीं सीख लेते जो हमें चाहिए। यह कुछ कुछ वीडियो गेम्स के अलग अलग लेवल्स को पार करने की तरह है, लेकिन यहाँ हम पॉइंट जीतने की बजाय ज्ञान और समझ को हासिल करते हैं। जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म के इस चक्र को अक्सर एक विशेष तरीके से दिखाया जाता है, एक पहिए की छवि के माध्यम से, जिसे धर्म का पहिया कहा जाता है। एक बड़े फेरिस व्हील की कल्पना करें। इस व्हील की हर एक सीट एक अलग जीवन को दर्शाती है, और जैसे जैसे ये पहिया घूमता है हमें इन सभी अलग अलग जीवन का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ हमारा गोल इस धर्म के पहिए यानी इस जीवन के चक्र से बाहर निकलना है, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष कहते हैं। हिंदू धर्म में मोक्ष एक ऐसी स्टेट है जहाँ हमारी आत्माएं एक्चुअल में फ्री हो जाती हैं और यूनिवर्स के साथ मिल जाती हैं। यह बिल्कुल स्कूल ऑफ लाइफ से ग्रेजुएट होने की तरह है, और यहाँ आकर हमारी आत्माओं की नेवर एंडिंग वैकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि इन सब के बारे में हमें कैसे पता। खैर हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ जैसे भगवद गीता, वेद, उपनिषद इन सब के बारे में बात करते हैं। वे हमें बताते हैं हमारे एक्शन, हमारे थॉट्स, यहाँ तक कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इन सभी का हमारे आने वाले जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म में इसे कर्म कहा जाता है। कर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जब तक के लिए जय सनातन धर्म।